गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि ईसीजी क्या रहता है। हमेशा पेशेंट के मन में शंका रहती है कि डॉक्टर बोलते हैं ईसीजी में कुछ चेंजेस है या ईसीजी में नॉर्मल है। तो जब भी हम लोग, ये रहा आपका ईसीजी, यहाँ कुछ वेव्स रहते हैं, 12 लीड्स रहते हैं, और इसका इंटरप्रिटेशन तो हम सिखा नहीं सकते आपको, लेकिन ध्यान में लीजिए, जब भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है ईसीजी नॉर्मल है, तो पेशेंट को लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, उसको कोई बीमारी नहीं है, या ईसीजी में कुछ चेंजेस है तो उनको लगता है कि अभी मुझे कुछ तो अंदर हार्ट की बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक रहेगा तो भी उसका ईसीजी नॉर्मल तभी इनिशियल स्टेज में रह सकता है, और जैसे सीरियल ईसीजी निकालेंगे उसमें अबनॉर्मलिटी आ सकती है। और जब भी अबनॉर्मलिटी कुछ रहती है ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि ईसीजी में कुछ माइनर चेंजेस है, लेकिन उस समय पेशेंट को कोई हार्ट की बीमारी नहीं रहती। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप नहीं लेना है कि ईसीजी में कुछ भी चेंजेस है या नहीं है, वो हमें पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन से कोरिलेट करना पड़ता है। क्या पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको दम लग रहा है, स्वीटिंग है, क्या उसको कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से इनको हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे फैक्टर हम लोग ध्यान में लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि बाबा ये पेशेंट को क्या है। और काफ़ी समय हम लोग एडवाइस करते हैं कि 24 आवर्स पेशेंट को हॉस्पिटल में रखिए, क्योंकि इनिशियल ईसीजी में चेंजेस नहीं रह सकते और बाद में वो आ सकते हैं, और अगर उसमें चेंजेस आ गए और पेशेंट को कुछ हार्ट अटैक आ गया तो उसमें रिस्क रहती है। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि 24 आवर्स अगर रहेंगे तो हम लोग सीरियल ईसीजी निकालते हैं, उनके कार्डियक एंजाइम्स करते हैं। ये कार्डियक एंजाइम्स जो है वो ट्रॉपा करके ब्लड टेस्ट रहता है, ट्रोपोनिन आई रहता है। ये ट्रोपोनिन आई यूजुअली 4 to 6 आवर्स छाती में दर्द या अंजाना होने के बाद में बढ़ता है। तो अगर वो बड़ा रहेगा, टिपिकल एंजाइना हुआ या हार्ट का पेन हुआ और बड़ा रहेगा, तो डेफिनेटली पेशेंट को एडमिट करना ही पड़ता है। अगर नहीं भी रहेगा लेकिन और संभावना रहेगी कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी एडमिट करने की एडवाइस हम देते हैं। तो ये रहा आपको ईसीजी के बारे में और ट्रापाई के बारे में जानकारी दी है। आई होप आपके लिए यूजफुल है और इसमें से आप कुछ मैसेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं डॉक्टर विजय चिले फ्रॉम आदित्य नर्सिंग होम।